अंबेडकरवादी राजनीति की का क्या भविष्य देख रहे हैं आप? बहन जी के बारे में पूरा दलित समाज बल्कि पूरा बहुजन समाज ये चाहता था कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। आज तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बात हो रही है कि देश को दलित प्रधानमंत्री मिलना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी भी इसके लिए तैयार है, लेकिन चूंकि बीएसपी आज थोड़ा सा मुझे लगता है कि कमजोर स्थिति में है, संविधान बचाने का जो मसला है उसने दलितों को भी इंडिया अलायंस की तरफ मोड़ दिया है। बाबा साहब के चाहने वाले, संविधान को चाहने वाले लोग कांग्रेस से अगर उम्मीद ही करें या फिर इंडिया अलायंस से उम्मीद ही करें कि वो संविधान बचाएगा, कितना जायज है? नहीं, मुझे लगता है कि ये समय की मजबूरी आप कहें या जरूरत कहें, उन्होंने गुमराह किया, क्योंकि गांधी से हमारी असहमतियां हो सकती हैं लेकिन गांधी हमारे लिए दुश्मन नहीं है, हमारे खलनायक। कांग्रेस बदल गई? नहीं बदल नहीं गई। खड़गे जी के आने के बाद मुझे लगता है कि वो वर्चस्व कम हुआ है, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं, वहाँ तो हमें आधे संगी दिखाई पड़ते हैं। अंबेडकरवादियों ने अभी कांग्रेस से उम्मीद लगानी चाहिए? नहीं, डेफिनेटली मुझे लगता है वो दबाव बनाए रखना चाहिए, मतलब केवल उम्मीद नहीं लगाना है बल्कि उन पर दबाव बनाए रखना। 5 साल कांग्रेस ने राज किया, उसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो उन्होंने लागू नहीं किया ये आरोप लगाया है। नहीं, ये मुझे लगता है ये सब प्रोपोगंडा है और ये हिंदुत्ववादियों की तरफ से ही आ रहा, ताकि जो दलित है या जो बैकलॉग नहीं, ये बहुत सारी खामियां है। अब कम से कम एजेंडा वो आया है बैकलॉग का, तो जब आप दबाव बनता है, रिजर्वेशन लागू नहीं किया, जनगणना नहीं, मुझे लगता है कि एक समय होता है हर चीज का, हर विचार का। साधु जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आज पूरे विश्व में त्रिगुणी पूर्णिमा मनाई जा रही है, तथागत गौतम बुद्ध इनके जयंती को लेकर अलग अलग जगहों पर चर्चा सत्रों के माध्यम से बातचीत हो रही है। इसी दौरान देश के अंदर लोकतंत्र का महापर्व भी चल रहा है, ऐसे में तथागत गौतम बुद्ध के जयंती के मौके पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, प्रोफेसर रविकांत, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और लगातार आप उन्हें देखते होंगे, अपनी बात मुखर तरीके से और सटीक तरीके से एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर लगातार बात करते हैं सोशल मीडिया पर, उनकी काफ़ी जो है उनकी जानकारी है उन्हें सटीक तरीके से लोग समझते हैं। इतना ही नहीं, मेनस्ट्रीम की मीडिया पर भी आपने प्रोफेसर रविकांत इनके मुद्दों को देखा होगा। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो रविकांत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरे देश और दुनिया में तथागत गौतम बुद्ध को याद किया जा रहा है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे तमाम दर्शकों को जो आपका चैनल देखते हैं, हमारा चैनल देखते हैं, उन्हें क्या संदेश है आज की जयंती के मौके पर? सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और ये बहुजनों के लिए महापर्व है, दुनिया को बुद्ध की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया में हिंसा हो रही है, लिंचिंग हो रही है, नफरत फैल रही है, घृणा फैल रही है, उसका एकमात्र विकल्प तथागत बुद्ध का मार्ग है, बौद्ध धर्म है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, उसके पहले से भी वो बात कर रहे थे कि पूरे भारत को बौद्धमय होना चाहिए, वो सबका आह्वान भी कर रहे थे। लेकिन 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने करीब 5 लाख अनुयायियों के साथ जब बुद्धिज़्म एक्सेप्ट किया, तो उस समय उन्हें ये उम्मीद थी कि ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, लेकिन समाज चूँकि इतना जागरूक नहीं था तो ये कारवां रुक गया था। पिछले 2 दशकों से पूरे भारत में, महाराष्ट्र में तो पहले से बाबा साहब के जो अनुयायी थे उन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत आगे बढ़ाया, और सबसे अच्छी बात यह है कि जिन लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया वो आज ऐश्वर्य में बहुत आगे हैं, उनकी प्रतिष्ठा, उनके पास एजुकेशन, उनके पास संपत्ति, मतलब जिन चीज़ों को मनाही थी मनुस्मृति में वो सारी चीज़ें महाराष्ट्र में आपको जो बुद्धिस्ट हैं उनके पास मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा संदेश है, जिस संपत्ति से, जिस शिक्षा से वंचित किया गया लोगों को आप बुद्धिज्म के जरिए वो प्राप्त हो सकता है, तो इस देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम लोगों को तथागत बुद्ध के संदेश को, उनके विचारों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उनके रास्ते पर चलना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप बौद्ध धर्म ग्रहण करें, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उनके विचारों को पढ़ना चाहिए। 2024 में आज की तारीख में हम हैं, 1956 के बाद जो चीज़ें बाबा साहब चाह रहे थे
कितना देख पा रहे हैं सफल आज की तारीख में? देखिए बाबा साहब के तीन लक्ष्य थे बिल्कुल अपने जीवन के अंतिम दौर में। एक तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो कल्चरल रेवोल्यूशन के लिए उन्होंने खड़े की थी, एजुकेशन के लिए, वो काम रुक गया था। जो बौद्ध धर्म के जरिए जिन प्रतीकों को वो स्थापित करना चाहते थे, पूरा कल्चर, चाहे वो त्यौहार हों, पर्व हों, इन सबको स्थापित करना चाहते थे, उन मूल्यों को, वो कारवां रुक गया था बाबा साहब के दिवंगत होने के बाद। एक जो RPI का गठन उन्होंने किया था, तो राजनीतिक यात्रा तो चल निकली और उत्तर प्रदेश में तो चार चार बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी। जो बौद्धिस्म उन्होंने स्वीकार किया वो ज़्यादा ज़रूरी था और मुझे लगता है कि उसके तरफ देश के बहुजन किंचित कारणों से नहीं बढ़ सके। आज मैं देख रहा हूँ कि पिछले एक दशक में बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी के साथ लोग बुद्धिज़्म की तरफ बढ़ रहे हैं, अम्बेडकर को स्वीकार कर रहे हैं, अम्बेडकर के विचारों पर चल रहे हैं, और इसलिए चल रहे हैं कि आज की जो सत्ता है वो जो हिंदुत्ववादी हैं उनके सामने केवल एक ही विचार लड़ रहा है, वो अम्बेडकरवाद है। जब बात कर रहे थे अपने कल्चरल मूवमेंट की बात कही है, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में एक कम्युनल पार्टी के तौर पर, कम्युनल आइडियोलॉजी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन वो भी इसे अपना कल्चरल मूवमेंट मानते हैं। क्या उसी से एडॉप्शन कर रहे हैं अम्बेडकरवादी लोग कि हम भी कल्चरल मूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, ये कल्चरल मूवमेंट बिल्कुल अलग तरह का है जो बाबा साहब ने दिया था। वो कितना अलग है? वो अलग है कि जैसे जो हिंदू धर्म के पर्व हैं, जो त्यौहार हैं, जो मूल्य हैं, जो मान्यताएं हैं, उनमें बेसिकली क्या है कि जो वर्णवादी वर्चस्ववाद है वो उसमें शामिल है। आप देवता है लेकिन आप दूर से यहाँ से दर्शन कर, राष्ट्रपति जब दूर से दर्शन कर रही हैं, और इसके पहले जो राष्ट्रपति थे उनको तो मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा था, उसके बरक्स एक समतावादी, एक न्यायपरक, एक मानवतावादी जो कल्चरल मूवमेंट है वो ये है, और उसमें सबका स्वागत है, वो चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, यहाँ तक कि जो अगली जातियाँ हैं, बाबा साहब तो उनको भी चाहते थे और उनके साथ कई ब्राह्मणों ने काम किया है। मनुस्मृति को जलाने वाले सहस्रबुद्धे वो भी ब्राह्मण थे। ये मूवमेंट अलग तरह का, हाँ ये ज़रूर है कि ये इस समय जब तेज़ी से उभरा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हिंदुत्व का आक्रमण है, उससे प्रेरित नहीं है, हिंदुत्व का अटैक है, उसके काउंटर में ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि यही इस देश का भविष्य है, क्योंकि इसमें करुणा है, इसमें बंधुत्व है, इसमें न्यायप्रियता है, इसमें समता है, यही असली इस देश का भाग्य विधाता हो सकता है। हम आपके लगातार डिबेट्स और डिस्कशन और आप जो भी सोशल मीडिया पर वीडियो आप किसी मुद्दे को लेकर बनाते सुन रहे हैं, इस देश के अंदर आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर देखा जाए तो काफ़ी कम लोग हैं जो कि अम्बेडकराइट नज़रिया रख पाए। सर आज की तारीख में 400 पार कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? वो एक नारा है लेकिन उससे ज़्यादा मैं कहूँगा जुमला है, और इस देश की जनता को ये स्वीकार नहीं है, क्योंकि जब 400 पार का नारा दिया गया तो ये कहा गया कि संविधान बदलने के लिए हमको 400 पार चाहिए, और उसके प्रतिक्रिया में ही इस देश के बहुजनों ने अपने संविधान की रक्षा करने के लिए इस पार्टी को सत्ता से बाहर करने का संकल्प ले लिया है, और यही चीज़ हमें मतदान केंद्रों पर दिखाई पड़ रही है। लोग उमड़ रहे हैं अपने संविधान को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को नकार रहे हैं। सर ये देश के अंदर EVM को लेकर भी एक सवाल है, लोगों के मन में शंका है, इसको कितना देख पा रहे, क्या ये इफेक्टिव है या कहीं ना कहीं ये राजनीति को इसका इम्पैक्ट हो रहा है या बस वहम है लोगों का? नहीं नहीं, देखिए वहम नहीं, कहीं कुछ टेक्निकल चीज़ हो सकती है, चूंकि मैं तकनीकी क्षेत्र से नहीं हूं तो इसके बारे में बहुत पुख्ता बात नहीं कर सकता, लेकिन लोकतंत्र को लेकर जब डाउट हो कि हमारा वोट कहाँ जाए, डेफिनेटली यही मैं बात कर रहा था कि जब इस तरह का डाउट हो तो जो चुनाव आयोग है, जो सरकार है, उसकी ये जिम्मेदारी है, ये नैतिक उसका कर्तव्य है कि वो लोगों के भीतर उस विश्वास को कायम रखने के लिए वो सामने आए और ये बताए कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, या जो लोग चाहते हैं, लोग अगर बैलेट से चाहते हैं तो बैलेट से कराने में क्या हर्ज है। आप 2 महीने वैसे ही चुनाव को लेकर के गए हैं 7 चरणों में, अगर आप जैसे RIT की VVPAT पर्ची की पूरी गिनती करें तो आपको 4 दिन और लग जाते, 5 दिन और लग जाते, क्या दिक्कत थी?
लेकिन ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंका पैदा करती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप शंका ना बिल्कुल पैदा करें, आप अपने उस वोट का इस्तेमाल करें जो जो सदियों के बाद मिला है, बाबा साहब ने जो आपको प्रदान किया है उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। बाकी टेक्निकल चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इस देश में है, बाकी वो फैसला हो जाएगा। लेकिन अधिकतम संख्या में जा कर के लोगों को वोट करना चाहिए और अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए बिल्कुल मुस्तैदी के साथ डटे रहना चाहिए। आपने बहन जी की बात की कि चार बार सरकार बनी, अब आने वाले 2024 के इलेक्शन तो हो ही रहे हैं और भी अन्य इलेक्शंस आएंगे, अंबेडकरवादी राजनीति की का क्या भविष्य देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से बहन जी के बारे में पूरा दलित समाज, बल्कि पूरा बहुजन समाज ये चाहता था कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। आज तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बात हो रही है कि देश को दलित प्रधानमंत्री मिलना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी भी इसके लिए तैयार है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चल भी रहा है। लेकिन बहन जी को लेकर के लोगों में एक भावुकता है, एक जुड़ाव है, तो वो चाहते थे कि बहन जी ही आमूलचूल परिवर्तन कर सकती हैं। लेकिन चूंकि BSP आज थोड़ा सा मुझे लगता है कि कमज़ोर स्थिति में है, संविधान बचाने का जो मसला है उसने दलितों को भी इंडिया अलायंस की तरफ मोड़ दिया है। मुझे लगता है कि पहले संविधान बचाने की ज़रूरत है और फिर उसके बाद आकाश आनंद आ रहे हैं उनकी विरासत को, और जिस तरह से उन्होंने रैलियों में भाषण दिए हैं, जो नौजवान पीढ़ी नहीं है बल्कि जो दलित बहुजन तबके के बुज़ुर्ग लोग भी थे वो भी बड़ा प्रभावित हुए हैं आकाश आनंद से। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुजन राजनीति का, दलित राजनीति का, अंबेडकरवादी राजनीति का भविष्य बहुत अच्छा होने जा रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी वो दिशा नहीं समझ में आ रही है, लेकिन जो कल्चरल मूवमेंट खड़ा करता है, जिसका जिसकी संस्कृति पर कब्जा होता है वही सत्ता पर कब्जा करता है। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है जो आज चल रहा है। अगर कल्चरल मूवमेंट खड़ा होगा, कल्चरल सत्ता अगर लोगों के हाथ में आएगी, तो राजनीतिक सत्ता तो अपने आप आ जाएगी। सवाल है, देखिए, बाबा साहब अंबेडकर को कभी गांधीवादी विचारधारा से या कांग्रेस से अपेक्षा नहीं रही, और जो भी चाहे उनका लिटरेचर देखो या फिर उनके जो भी राजनीतिक संबंध है वो भी ठीक नहीं रहे, गांधीवाद वर्सेस अंबेडकरवाद ही रहा। ऐसे में बाबा साहब के चाहने वाले, संविधान को चाहने वाले लोग कांग्रेस से अगर उम्मीद ही करें या फिर इंडिया अलायंस से उम्मीद ही करें कि वो संविधान बचाएगा, कितना जायज़ है? नहीं, मुझे लगता है कि ये समय की मजबूरी आप कहें या ज़रूरत कहें, क्योंकि जो अंबेडकरवाद और गांधीवाद को आमने सामने खड़ा किया गया था वो 90 के दशक में शायद उसकी ज़रूरत थी। मुझे लगता है कि उसके बाद भी ये चीज़ जिस तरह से चली है उसमें कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादियों का रोल रहा, उन्होंने गुमराह किया। क्योंकि गांधी से हमारी असहमतियाँ हो सकती हैं, लेकिन गांधी हमारे लिए दुश्मन नहीं है, हमारे खलनायक। कांग्रेस बदल गई? नहीं नहीं, बदल नहीं गई, कांग्रेस पहले से भी ऐसी थी। हाँ, ये कि उसका मिडिल पाथ था, वो वहाँ भी अगली जातियों का ही वर्चस्व था। खड़गे जी के आने के बाद मुझे लगता है कि वो वर्चस्व कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं, वहाँ तो हमें आधे संगी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उस पर थोड़ी लगाम लगी है। एजेंडा कम से कम राहुल गांधी सेट कर रहे हैं, वो एजेंडा कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय से प्रेरित है जब वो आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे इशू हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा ये समय की ज़रूरत है कि हम संविधान बचाने के लिए अभी हमें कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के साथ जाना पड़ेगा, और उसके बाद अंबेडकर बाद को लेकर के इस देश में जो चेतना चल रही है वो राजनीतिक सत्ता के लिए एक बड़ा रास्ता तैयार करेगी भविष्य में। फिलहाल हमारी ज़रूरत हो सकती है, हमारी मजबूरी हो सकती है, मैं ये ज़रूर कहूँगा। अंबेडकरवादियों ने अभी कांग्रेस से उम्मीदें लगानी चाहिए? नहीं, डेफिनेटली मुझे लगता है वो दबाव बनाए रखना चाहिए, मतलब केवल उम्मीद नहीं लगाना है बल्कि उन पर दबाव बनाए रखना। 5 साल कांग्रेस ने राज किया, उसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो उन्होंने लागू नहीं किया ये आरोप लगाया है कांग्रेस। नहीं, ये मुझे लगता है ये सब प्रोपोगंडा है और ये हिंदुत्ववादियों की तरफ से ही आ रहा, ताकि जो दलित है या जो बैकलॉग नहीं पड़ा था, ये बहुत सारी खामियां हैं। अब कम से कम एजेंडा वो आया है बैकलॉग का, तो जब आप दबाव बनता है, रिजर्वेशन लागू नहीं किया, जनगणना नहीं करा। मुझे लगता है कि एक समय होता है हर चीज़ का, हर विचार का, और हिंदुत्ववादियों से तो हम उम्मीद कर नहीं सकते हैं, वो तो आरक्षण खत्म करने पर आमादा है, वो तो संविधान खत्म करने पर आमादा है। अगर कांग्रेस पार्टी आज उस एजेंडे की बात कर रही है तो उस पर हमें दबाव बनाना है, उसको देखना है, और अगर वो कहीं भी गड़बड़ करते हैं तो उनको भी उखाड़ फेंकना है।
हमारे पास कम से कम संख्या बल है और लोकतंत्र डेफिनेटली जिस देश में जिस लोकतंत्र में संख्या बल जिसके पास होता है सत्ता असल में उसके पास होती है। तो मुझे लगता है जिस तरह से सवर्णों ने जो खेल किया कि कभी कांग्रेस के साथ रहे वो फिर बीजेपी के साथ रहे, उनकी पॉपुलेशन कितनी है 10%, तो वो कंट्रोलिंग पावर बन करके रहे। मुझे लगता है कि आज ज़रूरत ये है कि हम कंट्रोलिंग पावर बन करके रहें इंडिया अलायंस के लिए, और जैसे ही वो इधर उधर होते हैं उनकी नकेल पकड़ करके खींच लें, और अगर ज़्यादा दिक्कत करते हैं तो उखाड़ करके फेंक दें, और ये हमारे पास ताकत है। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी थे और अभी उनके भोजन का समय हो रहा है लेकिन हम उनका समय ले रहे थे, लगातार बातचीत कर रहे थे कि वो क्या सोच रहे हैं। आज तथागत गौतम बुद्ध के जयंती के मौके पर उनसे बातचीत हुई है, आप क्या सोच रहे हैं पूरी बातचीत को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।